हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो था जी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन है जो मिलती रहेगी, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट करते हैं जी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका वो किसी एक एरिया के ओवर लिया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं, उसके अंदर कोई आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एरिया मान लेते हैं उसमें, तो उसमें से जितनी नंबर ऑफ उस एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे आपका मान लीजिए ये एरिया है तो इसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस कर रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय पाई ई, इट इज डिनोटेड बाय पाई ई, ठीक है। तो आपका क्या है, इसका मतलब क्या है कि पाई ई हमारा क्या होगा, वो एरिया होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो एरिया जिसके अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना जो हमें, वो हमें इट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। अब कैसे बताता है देखिए, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती है किसी यूनिट एरिया को, ठीक है, कि एक पासिंग कर रही है जो किसी पर यूनिट एरिया के अंदर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी उसको क्रॉस करेंगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ये स्ट्रेंथ है जो उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको भी क्या करता है, ये हमें उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अप करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरफेसेस है, कोई भी आपको एक छोटा सा सरफेस एरिया दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम, तो आपको इस तरह का एरिया है जो वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो वो क्रॉस कर रही है इस तरह से, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है जी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अंदर से सिर्फ आपकी ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है, इसके अंदर से जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया इंटरसेप्टेड होगा इसके द्वारा, ठीक है, तो वो आपकी उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। तो डेल्टा सम इसको एरिया मान लेते हैं कि स्मॉल एरिया हमारे पास है। अब देखिए अगर मैं इसी एरिया को थोड़ा सा टिल्टेड कर देता हूं, किसी एंगल थीटा के साथ इसको टिल्ट कर देता हूं, तो यही जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास आउट हो रही हैं, तो वो क्या कर जाएंगी, वो डिक्रीज कर जाएंगी। क्यों कर जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अब मैं यहां देखूंगा कि इसके अंदर डेल एस है जो, ये हमारा क्या है, समाल एरिया है, इसके अंदर आपका क्या है कि यहां पर एक पोजीशन वेक्टर, इसके नॉर्मल जो एरिया वेक्टर के अंदर पड़ चुके हैं तो ये एक एरिया वेक्टर ही है, ठीक है। तो इस पे भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर है जो इसके क्या होगा, नॉर्मल होगा एन कैप, ठीक है, एन कैप। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये थोड़ा सा क्या किया मैंने, इसको टिल्ट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से पास आउट होंगी इसमें से,
तो ये जो आपका इसमें एन कैप है ये इसके साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया वो थीटा, क्योंकि थीटा एंगल के साथ हमने क्या किया था, इसको टिल्ट किया था। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1, 2, 3, 4, तो सिर्फ चार ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो तो जो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने जान रखा है। अब इसका जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो आपका क्या होगा, ई कोस थीटा होगा, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, डेल एस के। ठीक है, ई कोस थीटा एक आपका इसका कंपोनेंट होगा ई का, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू डेल एस। अब हम इसको जो हमने फाई ई लिखा था, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया था हमारा, अब वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो दो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो होता है ई डॉट में ई एस, ई डेल एस, ई डॉट में क्या होगा जी, डेल एस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई डेल एस कोस थीटा। ठीक है, तो ये तो कब है, जब आपका ई परपेंडिकुलर होगा किसके भी, डेल एस के। और अगर आपका E है जो नॉर्मल एरिया एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर था, अगर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E cos theta into में del S। ठीक है, अब अगर हम यहाँ, क्योंकि cos theta आया है तो एंगल आया तो वो वैरी करेगा, अगर theta is equal to क्या होगा, जीरो, तो cos theta is equal to क्या होता है, वन। ठीक है, तो इसका मतलब phi E जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। अगर थीटा आपका कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, कोस 90, कोस 90 का मतलब क्या हुआ जी, जीरो। तो फाई ई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, यानी कि मिनिमम कह सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो कोस जो थीटा आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है जो वो क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फाई ई क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ टिल्टेशन पे डिपेंड करता है वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या फिर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या किसी भी आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट में लेते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है जी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका थीटा एंगल पे। ठीक है, अगर थीटा एंगल लेकिन जीरो होगा, थीटा एंगल क्या होगा, जीरो, तो वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। अगर एंगल आपका क्या हो जाता है, 90, तो वो क्या है, पैरेलल टू दी सरफेस है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू दी सरफेस। अब हमने क्या करना है इसमें, कि जो आपका ई डॉट में डेल एस आपने लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आई ई को ई डॉट में डेल एस तुमने स्मॉल एरिया एलिमेंट माना हुआ है, तो अगर हम क्या करते हैं, पूरे सरफेस के, सरफेस एरिया के लिए निकालना हो तो आप इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका क्या ले लेते हैं, समीकरण ले लेते हैं। लेकिन ये जान रहे हैं कि ये जो आपका फाई ई आया है ये क्या आया है, ओवर ए क्लोज सरफेस आया है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रल लोगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट में डेल एस, ये किसमें चेंज हो जाएगा, डी एस में। ठीक है, तो ई डॉट में डी एस आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने ये जान रखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी, जो आपका फील्ड आया है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, यानी कि पाई ई है जो, उसको हमने क्या लिखा, ई डो वाई में डी एस। ठीक है, तो यानी कि ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, डी एस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपकी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हो, न्यूटन को क्या लिखते हैं,
एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और यहां से आपका क्या हो जाएगा मीटर यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में आपका कूलम एम्पियर सेकंड, ठीक है, एम्पियर आपका एम्पियर सेकंड, ठीक है, तो इसकी पावर आ जाएगी माइनस, तो यहां से एम की पावर कितनी होगी वन, एल की पावर कितनी हो जाएगी जी थ्री, टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगी टू ये और वन ये, ठीक है, और ए की पावर क्या होगी माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इतना कुछ आपने ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से आपका कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ध्यान रखना है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन है जो ये आपका आया हुआ है, पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये होता क्या है, अब पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप कोई भी एक एरिया है जो वो क्या कर लेते हो, मान लेते हो, ठीक है, कोई सरफेस मान लेते हो क्लोज सरफेस, ठीक है, तो अभी जो हम ये कर रहे हैं ना ये सिर्फ स्फेरिकल सरफेसेस के लिए है, स्फेरिकल सरफेसेस फॉर दी स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ही है आपका ये। अगर आप क्या करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, ठीक है, जो क्लोज सरफेस आपका जो एरिया में ले रहे हैं वो क्लोज सरफेस ले रहे हैं एस, वो कहाँ है वैक्यूम में है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आपका जो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना पाई, तो वो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज जो एनक्लोज होगा किसमें सरफेस में, ठीक है, वो क्लोज सरफेस के अंदर, और वो वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या हो जाता है, ठीक है, वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या, ठीक है, अब ये तो है स्टेटमेंट इसकी, अगर हम क्या करते हैं इसको आगे प्रूव करते हैं, तो प्रूव करने के लिए हमें एक सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस है जो ये क्या होता है, तो ये वो सरफेस होता है जो हम किसी भी गॉस थ्योरम के लिए या गॉस लॉ के लिए आप कंसीडर करते हो, तो इस सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आपका एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं जो स्फेरिकल सरफेस है, तो इसमें क्या है कि हर एक पॉइंट पे इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो क्या मिलेगी जी आपको सेम, ठीक है, इक्वल हर एक पॉइंट एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस देयर विल बी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस बोलते हैं, तो इसी तरह से हमने यहां पर एक सरफेस है जो वो कंसीडर कर लेना है कि गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, यानी कि गॉसियन सरफेस की जो स्टेटमेंट है उसको कैसे प्रूव करता है, ठीक है, तो गॉसियन थ्योरम है जो उसको प्रूव करते हैं, तो प्रूफ आपका तो हमने क्या माना भी एक गॉसियन सरफेस माना, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया डेल एस कोई भी या डी एस है जो कोई भी स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेंगे, एरिया वेक्टर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर क्या होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, उसकी जो रेडियस है हमने स्फीयर सरफेस की, ठीक है, या गॉसियन स्फीयर की, तो उसकी रेडियस हमने क्या मान ली आर, ठीक है जी, तो आपका इसका सेंटर है ओ जहां पर क्या है प्लस क्या चार्ज है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लगेगी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लगेगी, तो इसका मतलब ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलोंग हम एक और मान लेते हैं कि जो आर
आर कैप मान लेते हैं, आर कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है जो अलोंग दी क्या होगा, रेडियल होगा या अलोंग दी इंटेंसिटी होगा, ठीक है, इसमें आर कैप, ठीक है जी। तो ये सब कुछ हम कंसिडर करके चलते हैं पहले। उसके बाद आपने पता होगा कि जो फाई ई अभी हमने निकाला था वो किसके बराबर आया था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के आया था, ठीक है, ई डॉट डी एस के। तो इसमें आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि ये अगर आपका चार्ज क्या दिया हुआ है, आर उसका रेडियस दी हुई है, ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो क्या आई थी, क्या हो पाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में आर कैप, आर कैप क्या था यहाँ पर, यूनिट वेक्टर था जो ऑल ऑफ दी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो पाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या हो पाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में क्या हो गया जी, आर कैप, ठीक है। अब साथ में क्या है, डी एस, ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखोगे, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो आप यहाँ से क्या करो, क्या होगा ये, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, क्लोज सरफेस इंटीगल, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, आर कैप बाय में आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा जी, एन कैप डी एस, ठीक है, एन कैप डी एस, ठीक है। तो अब देखिए, आर कैप इंटू में एन कैप, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो आर, आर कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू में एन का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या हो जाएगा, कोस जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, वन, और इनके मैग्नीट्यूड है जो वो भी क्या होता है, वन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर कैप इंटू में एन कैप क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस ये क्या बनेगा, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर भी बाहर ले लीजिए अब, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, डी एस मतलब स्फेरिकल जो सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया है, अब स्फेरिकल सरफेस का एरिया है स्फीयर, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये क्या गया, क्या होगा में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हेंस हमने जो स्टेटमेंट में बताया था कि 1 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ है क्या हो, तो जो एनक्लोज होता है स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज, ठीक है, सरफेस एरिया के अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज होता है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आ जाएगा। अब ये तो हमने सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए निकाला है, अगर हम इस होल सरफेस के लिए बहुत सारा इस पे जो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो अगर वो लेते हैं इसके एनक्लोज, इसके जिसमें एनक्लोज होता है, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या वन, क्या टू, क्या थ्री, ठीक है, इसी तरह से क्या एन तक आप चार्ज ले लेते हैं, तो उसके लिए फाई ई क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो किसके, क्या वन के लिए क्या होगा, क्या वन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस में, ठीक है, क्या टू बाई एप्सिलॉन नॉट, सो प्लस में, सो ऑन, क्या वाई, क्या वन बाई में एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है जी, अंदर क्या बचा आपका, क्या वन प्लस क्या टू प्लस में, सो ऑन, क्या एन, ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, समीशन ऑफ क्या आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू n, I goes from 1 to n, that is equal to 1 by epsilon naught, और क्या I को, इसको आप total charge को क्या लिखोगे जो इसके enclosed होता है, capital Q से इसको denote करेंगे, ठीक है, तो ये total charge, तो वही चीज आपकी दोबारा से यहाँ आ गई, ठीक है, तो pi E is equal to क्या होगा, क्या by में epsilon naught, ठीक है, तो hence ये क्या है आपका, proof है किसका, Gaussian theorem का, या law of Gaussian in electrostatics, ठीक है, sorry। तो अब उसके बाद देखिए क्या है कि हमारे पास इसमें बहुत सारी कुछ कुछ कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो हमने इसमें देखनी है, तो वो कंडीशंस क्या क्या होंगी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो सरफेस है आपका वो गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो आपकी, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसके लिए कुछ कंडीशन हैं या कुछ पॉइंट्स करेक्टिक्स हैं इसकी, जो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान में रखने होंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपने मीडियम लिया है, ठीक है, जो सरफेस चार्ज के अंदर आता है, अब देखिए हमने ये चीज कैलकुलेट की कि यहां से पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या हुआ भाई, एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अब अगर आपका गॉसियन सरफेस जो लिया है,
वो किसी मटेरियल से बना हो, सॉलिड मटेरियल से, सॉलिड हो वो, ठीक है, तो किसी मटेरियल से बना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो, वो भी साथ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई में क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। अब जो के है, हमने किसकी बात करी है, के की, तो के एप्सिलॉन आर को भी लिखते हैं हम के, विच इज इक्वल टू, जो आपका किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर है जो, वो आपका किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन सॉरी एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन नॉट नहीं, ठीक है। तो ये आता है जी आपका एप्सिलॉन इनटू में क्या हो जाएगा जी, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन नोड रखते हैं, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो किसके बराबर आएगी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से, ठीक है। तो वो वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्याउ फाई ई इज इक्वल टू क्याउ वाई में के की वैल्यू एप्सिलॉन वाई में एप्सिलॉन नोड, ठीक है, इनटू में एप्सिलॉन नोड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्याउ वाई में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन यहां पर क्या है, प्रिमिटिविटी ऑफ है, क्या है ये, किसके लिए है, सब आपका किसी मीडियम के लिए, अगर कोई मीडियम यहाँ पर आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आपकी फाई ए की वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ करेक्टिक्स कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स हमने जो यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, वो पॉइंट्स हम इसमें कर रहे थे, तो वो पॉइंट कौन कौन से हो गए, ठीक है, तो वो देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो हमें ये माइंड में रखनी है बात कि जो भी आपका चार्ज सिचुएटेड होगा आउटसाइड दी सरफेस, ठीक है, यानी कि क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस जिसको हमने बोला है, कि कोई भी चार्ज अगर आउटसाइड दी गॉसियन सरफेस होगा, तो उसके इसके लिए आपका ये जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होगा, ठीक है, यानी कि गॉसियन सरफेस से बाहर अगर आपका कोई भी क्या है चार्ज आपका लाई कर रहा है, तो उसका उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं होगा, भी कंट्रीब्यूशन उसमें उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उसकी डिपेंडेंस नहीं होगी उसमें। अब अगर गॉसियन थ्योरम के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने कहा था कि E इज इक्वल टू क्या आया था आपका, क्या हुआ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर आपकी डिपेंडेंस होती है ई की किस पे, आर पे, ठीक है, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां पर वो ई आर क्या है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर हम गॉसियन सरफेस है जो जो आपका स्फेरिकल सरफेस है जो वो बहुत ज्यादा ले बहुत बड़ा ले लेते हैं स्फीयर, ठीक है, तो उसके लिए आपकी आर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, आर स्फीयर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमने पॉइंट आउट करना है इसमें, कि अगर आपने क्या करनी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करनी हो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर और फोर्सेस हैं जो अगर आपने कैलकुलेट करनी हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो हमने फाई ई की वैल्यू निकाली है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, उसके अंदर वैल्यू जो रखनी है हमने वो क्या है, उसमें क्या की वैल्यू है जो वो 1 कूलम्ब, ठीक है, तो क्या की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 कूलम्ब। अब क्या आया था आपके पास, कि ई इज इक्वल टू सॉरी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो भाई एप्सिलॉन नोड आया था, ठीक है, तो क्या की वैल्यू क्या रखती, 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी होती है जी, -12, ठीक है, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। तो अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आती है 1.13 इंटू 10 रेज टू पावर 11, ठीक है, तो यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं पाई ई से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट करती हैं किसमें भी, आउटवर्डली फ्रॉम दी सरफेस, तो वो आपकी क्या होंगी, 1 कूलम्ब चार्ज के लिए 1.13 इंटू 10 टू पावर 11 जो वैल्यू है किसकी आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आएगी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आपकी फोर्सेज की जो रेडिएट होती हैं इसके अंदर सरफेस के अंदर से, ठीक है, आउटवर्डली, तो उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका सेंटर में कौन सा चार्ज लिया है, प्लस क्यू लिया है। उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका
पूछा जाए अगर किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल के लिए, इसके लिए भी अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसमें देखिए क्या करना है। जैसे हमने ये बताया है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो कितना होता है, डबल ऑफ प्रोटॉन, डबल ऑफ चार्ज होना प्रोटॉन, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर हम चार्ज ऑन पार्टिकल जो ई माने तो ये क्या हो जाएगा, टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस फाइ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, टू ई बाई में एप्सिलॉन नॉट, टू ई बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कुछ आपकी टर्म्स थी जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसके लिए भी गॉसियन थ्योरम, ठीक है। काफी इजी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आपका पेपर में ये आ सकता है और बहुत बार आया हुआ भी है, तो इसलिए इसको आपको थोड़े से ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस आपका इतना ही है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं जो वो हम कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले एक आपको एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हैं आपको, कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स आप क्रिएट हो रही है आपको, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।